हेलो गाइस, ट्रिपल टू डिवाइन लव टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से आई हूँ आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी लेकर और साथ में आप लोगों के लिए गाइडेंस लेकर। मैं हर दिन सुबह को ये वीडियो पोस्ट करती हूँ और ये एक टाइमलेस रीडिंग होती है। जब भी आप देखेंगे तब की सिचुएशन के साथ कुछ ना कुछ डेफिनेटली रेजोनेट करेगी और सभी साइंस के लिए ये रीडिंग होती है। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के दिन में आप लोगों की क्या एनर्जी है, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी क्या एनर्जी है आज के दिन में। ओके, कॉर्नकोपिया, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। चलिए देखते हैं आप लोगों के पार्टनर की क्या एनर्जी है। कॉन्ट्रैक्ट, हैप्पी फैमिली। ओके, ओके, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर जो मंथ्स इंपॉर्टेंट है वो है फरवरी, नवंबर, जुलाई, जून, अप्रैल। ये सारे मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनमें कुछ भी हो सकता है, आप लोगों की बर्थ डेट, आप लोगों के पार्टनर की बर्थ डेट या कुछ मेमोरीज इनमें आप लोगों की हो सकती है। और यहाँ पर नंबर्स आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 6, नंबर 15, नंबर 24, 11, 2, 29, 20, 13, 4, 22। ये सारे नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनमें से कोई भी आपकी बर्थ डेट हो सकती है या आपके पार्टनर की बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी, कुछ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है इन डेट्स में। ओके, और अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आज के दिन में फाइनेंशियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल आ सकते हैं आपके या आपके फैमिली के। ओके, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो उसके हिसाब से कुछ ना हो, कहीं पर पैसे गुम हो जा सकते हैं या फिर कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हो और वहाँ पर आपको लॉस हो जाए, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है फाइनेंसिस को लेकर। तो यहाँ पर आज के दिन में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है आपकी फैमिली को लेकर, मतलब आपकी फैमिली में जो लोग भी है उन्हें थोड़ा आप लोग इस बात की अगर हो सके तो उन्हें भी सावधान आप कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल लाइफ में कुछ लॉसेस आपके आज के दिन में हो सकते हैं। ओके, और ऊपर से यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपकी कोई लाइफ में कोई गुड रिजल्ट आ सकती है। आप कई दिन से कुछ रिजल्ट के लिए वेट कर रहे थे, आपकी जॉब फील्ड में हो सकती है, बिजनेस में हो सकती है, या आप अभी भी अगर स्टडी कर रहे हो तो यहाँ पर आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकता है। आपकी लव लाइफ को लेकर भी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। ओके, अगर बहुत दिन से कहीं पर आप वर्क कर रहे हो तो उसका रिजल्ट आज के दिन में आपको मिलने वाला है। और ऊपर से यहाँ पर फाइनेंशियल लाइफ में कोई लॉस आपकी हो सकती है, मतलब ओवरऑल मिक्स्ड एनर्जी आज के दिन में होगी आपके लाइफ में। और यहाँ पर आपके पार्टनर आज के दिन में ऐसा लग रहा है कि ये फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं या फैमिली के साथ कोई हैप्पी मोमेंट इनकी हो रही हो, फैमिली के साथ कहीं बाहर एंजॉय करने जा रहे हो, ट्रेवल पर गए हो कहीं, ऐसा भी हो सकता है। और ये जो अपनी सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इनकी जो सोल पर्पस है, उनको ये कहीं ना कहीं फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी और उन पर अभी ये वर्क कर रहे हैं। और इनकी लाइफ में जो भी कर्मा साइकिल है वो यहाँ पर आज के दिन में बैलेंस हो सकती है, मतलब कोई कार्मिक सिचुएशन इन्हें आज के दिन में ट्रिगर दे सकती है। ओवरऑल इनकी लाइफ में भी आज मिक्स्ड एनर्जी होने वाली है। फैमिली के साथ तो ये अच्छे टाइम स्पेंड करेंगे, फैमिली को लेकर कुछ फ्यूचर फैमिली को लेकर कुछ प्लानिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में अगर कोई कार्मिक है उनके साथ इनकी फाइटिंग आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, उनसे कोई ट्रिगर इन्हें मिल सकती है। और ये आज के दिन में ऐसा भी हो सकता है इनकी जो सोल पर्पस है उनको फाइंड करें और उनमें वर्क करना स्टार्ट करें, ऐसा भी हो सकता है। तो ओवरऑल आप दोनों की ही आज के दिन में मिक्स्ड एनर्जी रहने वाली है। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। क्रॉसिंग ब्रिज, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। तो ये आपके लिए बहुत एक टफ टाइम, मैं नहीं कहूँगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टाइम है जिस टाइम पर आप खुद को हील कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, आपकी लाइफ में जो भी कार्मिक सिचुएशन है उन्हें रिलीज कर रहे हो, अवेयरनेस आपकी हो रही है खुद को लेकर, अपनी सोल पर्पस को लेकर। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टाइम है आपके लिए। आप इस टाइम पर आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस नोटिस करेंगे। जर्नी बाई मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक। और अगर आप
होप हार रहे हो, अगर आपको फील हो रहा है कि नहीं इस कनेक्शन में कुछ नहीं हो सकता है, ये सब चीज़ें बेकार है, ये सब गाइडेंस बेकार है, या फिर स्पिरिचुअलिटी में यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको बिलीव रखने की ज़रूरत है। अगर आप बिलीव रखोगी तभी आपके लाइफ में मैजिक होंगे। जब आप बिलीव ही नहीं रख पाओगे तो मैजिक को कैसे आप रिसीव करोगे? जो आप सोचोगे आपकी लाइफ में वही कुछ घटित होगा। तो अपने थॉट्स पर थोड़ा आप लोग इस टाइम पर ध्यान दीजिएगा, कोई भी नेगेटिव थिंकिंग मत रखिए इस टाइम पर। फार अवे प्लेसेस, गेट रेडी फॉर न्यू horizons। तो हो सकता है आपके लाइफ में कुछ नए नए चेंजेस आ रहे हैं। आप जो बहुत दिन से प्लान कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि मेरी ये जो प्लानिंग है, मेरी जो ये ड्रीम है, ये बहुत दूर है, इसको पूरा होने में बहुत टाइम लगेगा, तो आप धीरे धीरे उस पर एक्शन लेना स्टार्ट करो। हो भी सकता है कि बहुत ही जल्द आपकी वो विशेज फुलफिल हो जाए। अगर आप दूर का सोच कर बैठे रहोगे, एक्शन नहीं लोगे, तो यहाँ पर वो हमेशा ही दूर ही रहेगा, कभी भी वो ड्रीम आपकी फुलफिल नहीं होने वाली है। तो जो आपकी ड्रीम है उस पर आज ही एक्शन लेना स्टार्ट करो, उस पर थोड़ा थोड़ा करके मूवमेंट करना स्टार्ट करो, तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा जब आपको डिस्टेंस नहीं लगेगा, आपको लगेगा मेरी जो ड्रीम है वो पूरी हो चुकी है, बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है। नैरो पाथवे, ट्रेड थॉटफुली। तो यहाँ पर आपको अपने लाइफ में जो एरियाज है उनको लेकर सोचने की ज़रूरत है। जैसे लव लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर, कुछ भी चीज़ें रातों रात नहीं होती है, आपको उस पर एक्शन लेनी होती है, आपको उस पर धीरे धीरे ग्रो करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपको खुद को थोड़ा स्लो डाउन करनी है और स्लो डाउन करके बस आगे बढ़ते जाना है यहाँ पर। और कोई भी आप अगर डिसीजन बहुत जल्दी जल्दी ले रहे हो तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली लॉसेस से गुजरनी पड़ सकती है। जैसे कि यहाँ पर हमने इस वाले कार्ड से भी देखा है, कोई फाइनेंशियल लॉसेस आपको हो सकता है। तो इस टाइम पर थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए और धीरे धीरे एक्शन लीजिए। जो भी डिसीजन आप लोगे उस पर थोड़ा गौर से आप ज़्यादा टाइम लेकर सोचिए, लेकिन सही से सोचिए। अगर आप लव लाइफ में चाहते हो कि बहुत जल्द कुछ चेंजेस हो जाए, मिरेकल्स हो जाए, तो तब ये पॉसिबल नहीं है। आप खुद पर वर्क कर सकते हो, आप खुद को ग्रो कर सकते हो, अपनी सोल पर्पस पर वर्क कर सकते हो, लेकिन आप रिजल्ट को कभी भी, अगर आपको लगता है कि सब कुछ मेरी लाइफ में फास्ट होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको स्लोली ही आगे बढ़नी है, धीरे धीरे एक्शन लेते हुए ही आगे बढ़नी है। तो गाइस, यही है आज के लिए रीडिंग। इसके बाद मैं करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी में डिटेल्स वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ, तो जुड़े रहिए मेरे साथ।